हर हर महादेव किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको टाटा धानिया की DR 8336 के बारे में बताने वाला हूं। हमसे बहुत सारे किसान भाइयों ने DR 8336 के बारे में वीडियो बनाने के लिए बोले, तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो किसान भाइयों, ये कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, इसकी खेती आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, कितना उत्पादन देती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ऐसी तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को दबा लें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो किसान साथियों, बिना समय गंवाए चलिए जानते हैं टाटा धानिया की DR 8336 के बारे में। सबसे पहले विशेषता, जो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि इस वैरायटी में आप इसकी खेती जो है रवि के सीज़न और खरीफ के सीज़न दोनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जहां रवि के सीज़न में धान की खेती होती है वहां पर आप इसको लगा सकते हैं, और खरीफ के सीज़न में भी खेती इसकी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं जो कि बहुत ज़रूरी जानकारी है कि इसकी टाटा DR 8336 की खेती कितने दिन में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी वैरायटी का अगर आप चुनाव कर रहे हैं, कि वो समय आपका कितना लेती है, क्योंकि समय का ही खेती में बहुत बड़ा टाइमिंग का ही रोल होता है। तो कितना समय लगता है, तो अगर आप खरीफ के सीज़न में इसकी खेती करते हैं तो ये रबी के सीज़न की अपेक्षा थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है। लगभग आपका 120 से 130 दिन में यह तैयार हो जाती है। किसान साथियों, ये जो समय है वो आपका नर्सरी से लेकर हार्वेस्टिंग तक का समय है। अगर वहीं आप रबी के सीज़न में इसकी खेती करते हैं तो लगभग आपका 130 से 140 दिन का समय लगता है। ये भी समय जो है वो नर्सरी से लेकर आपका हार्वेस्टिंग तक का है। तो इस प्रकार आप इसको रवि और खरीफ दोनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं। इसके चावल की बात करें तो किसान साथियों, इसका चावल मोटा तथा भारी होता है, जिससे आपका उत्पादन ज़्यादा होता है। ये मोटे किस्म का वैरायटी है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। किसान साथियों, इसकी खेती आप जहाँ पानी की समस्या हो वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये केवल बरसात, जो बारिश होता है उससे भी इसकी खेती हो जाती है, और जहाँ तराई वाली ज़मीन है वहाँ अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसके उत्पादन में क्या कहना। तो इस तरह से आप दोनों जगह इसकी खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों कि इसकी खेती कहाँ कहाँ, किस किस राज्य में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी बात करूं तो पूरे भारत में आप कहीं भी इसकी खेती कर सकते हैं। जहां जहां भी चावल की खेती की जाती है वहां वहां पर आप टाटा धानिया की DR 8336 को बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसमें कल्लों की फुटाव की बात करूं तो कल्लों की संख्या आपका प्रति पौधे के हिसाब से लगभग 20 से 25 30 कल्लों की संख्या मिल जाती है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है, जिससे धान की फसल गिरते नहीं हैं, गिरने के प्रति काफ़ी सहनशील होते हैं। इसके पौधों की ऊंचाई की बात करूं तो ये मध्यम ऊंचाई का होता है, 115 सेंटीमीटर लगभग होते हैं। इसकी बालियां लंबी और अन्य वैरायटियों की अपेक्षा दानों से लदी हुई होती हैं। ये बीमारियों के प्रति काफ़ी सहनशील होता है। इसका दाना मोटा तथा वजनी होने के कारण उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा होता है। अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो किसान साथियों, 30 से 35 कुंटल तो बड़े आराम से प्रति एकड़ में इसकी उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये रहा टाटा धानिया की DR 8336 की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर करिएगा। और अगर आपको और भी किसी खेती की जानकारी चाहिए या किसी अन्य वैरायटी की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।